हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इंडिया और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मुकाबला था, लेकिन जो बारिश ने इस मैच में दखल दे दिया है, जिसकी वजह से ये मैच हो नहीं पाया है और इस मैच को टाई घोषित किया गया है। और जो पॉइंट है एक एक करके दोनों टीम को दे दिया गया है, और इसकी वजह से इंडिया का बहुत बड़ा एक नुकसान भी हो गया है। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान सुपर फोर में भी चला गया है इस एक पॉइंट के साथ। अगर इंडिया का जो दूसरा मैच है वो है नेपाल के साथ, जो है 4 तारीख को इसी मैदान पे। अगर 4 तारीख का मैच भी अगर नहीं होता है तो इंडिया शायद सुपर फोर में उठ जाएगा। बट अगर नेपाल के साथ इंडिया किसी भी वजह से अगर हार भी जाता है तो इंडिया एशिया कप से बाहर हो जाएगा। मॉर्निंग से ही कुछ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है इसमें बारिश दखल दे सकता है, और बारिश ऑलरेडी दखल दे भी चुका है। तो जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है वो तो नहीं हो पाया है। तो इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 266 रन बनाया था, जो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने बहुत ही अच्छा एक बैटिंग किया था, जो बहुत ही 138 रन का एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप भी किया था। तो इसके बाद जो दूसरा इनिंग्स है, दूसरा इनिंग्स स्टार्ट ही हो नहीं पाया। दूसरा इनिंग्स में जो बारिश है, बारिश दखल दे चुका था। तो आप लोगों को क्या लगता है, अगर बारिश दखल नहीं देता तो इंडिया जीतता या फिर पाकिस्तान, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग डालिएगा। मेरा तो हिसाब था अगर बारिश नहीं होता तो इंडिया ज़रूर ये मैच जीत जाता, क्योंकि सब जो एक्सपर्ट है, क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना था इस पिच में अगर 240 या फिर 230 भी बन जाता है तो बहुत अच्छा स्कोर माना जा रहा था। तो इसी वजह से जो अभी इंडिया है, इंडिया नेपाल के साथ इंडिया का 4 तारीख मैच है, अगर इंडिया नेपाल के साथ मैच ड्रॉ भी कर लेता है या फिर मैच होगा तो नेपाल के साथ, तो इंडिया जीत ही जाएगा। तो इंडिया के सुपर फोर में उठने का चांस ज़्यादा है। अगर इंडिया नेपाल के साथ किसी वजह से अगर हार भी जाता है तो नेपाल शायद उड़ जाएगा। तो अभी नेपाल के पास भी मौका है, इंडिया के पास भी मौका है। जो बारिश हो गया है, बारिश की वजह से अभी दोनों टीम के सामने डू और डाई का लड़ाई है। तो आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपना कमेंट डालो कमेंट बॉक्स में। तो चलो, आज के लिए तो ख़त्म हो गया इंडिया और पाकिस्तान का मैच। तो नेक्स्ट मैच के लिए तैयार करो।